भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बढ़वा मध्य प्रदेश में 12वें बैच आरक्षण व्यावसायिक बुनियादी कोर्स के 163 प्रशिक्षणार्थियों का औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस भव्य परेड के मुख्य अतिथि सीवी आनंद, महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पश्चिमी खंड मुख्यालय नवी मुंबई थे। मुख्य अतिथि ने शानदार परेड की समीक्षा की तथा प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक और बाह्य विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। सीवी आनंद ने अपने भाषण के दौरान देश की आंतरिक स्थिति का उल्लेख किया और देश की आंतरिक स्थिति के लिए व्यवसायिक जवानों की महत्ता बताई। साथ ही मुख्य अतिथि महोदय ने परेड में भाग ले रहे बल सदस्यों से आह्वान किया कि वे संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन के साथ राष्ट्र की सुरक्षा में अपना योगदान दें। उन्होंने शानदार परेड की सराहना और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। अन्य संगठनों के बल सदस्यों को भी कमांडो का विशेष प्रशिक्षण दिया है, जिसमें भारतीय वायुसेना, झारखंड पुलिस, महादेव देश के पुलिस अधिकारी शामिल है। श्रीमान, वर्तमान में 1671 प्रशिक्षणार्थी इस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के 184, राजस्थान पुलिस के 921, उत्तर प्रदेश पुलिस के 221 और आज पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थी 163 शामिल हैं। आज के दिन पास आउट हो रहे इन 163 बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु